मैं एक छोटा सा उदाहरण अपना निजी बताना चाहूँगा। हमारे पिताजी 40 साल तक दादाजी दरबार से खंडवा में जुड़े रहे, 40 साल लगातार गए वहाँ पे। वो संयोग रहा, हम तो जानते ही नहीं थे यहाँ पे। जब मुटक्का आए तो दरबार से हुजूर साहब ने हमको दूर से बुलाया, आइए पंडित जी पास। और जो आत्मीयता और जो प्रेम और जो आशीर्वाद दिया, वो हमारे पिताजी के संस्कार गुरु तत्व से जो जुड़े थे, ये ऑटोमेटिकली गुरुत्वाकर्षण है जिसने जोड़ लिया। हमने तो कई बार अनुभव किया है, सफर में किया है। हमारे पिताजी ने कई बार हमें इस चीज़ का फल बताया कि दादाजी कैसी सेवा करते थे। तो दादाजी कोई शरीर नहीं थे, शिव तत्व में ही आए थे। अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य। आप लोग खंडवा गए होंगे ना, बड़े दादाजी का भी वहाँ स्वरूप देखा होगा। तो कोई तो कहता है हमें अघोर रूप में दर्शन हो रहे हैं, किसी को लगता है हमको बाल रूप में दर्शन हो रहे हैं, किसी को लगता है हमें भगवा रूप में दर्शन हो रहे हैं। पृथक पृथक दर्शन होते हैं। दादाजी की भी ऐसी कृपा है, जहाँ जाते हैं वहाँ रम जाते हैं। लेकिन इतनी सरलता, ये कितनी सरलता है, ये क्या शिक्षा देती है? ये वही शिक्षा दे रही है जो भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को दी थी। नारद जी को यह अहंकार हुआ कि क्या श्री कृष्ण 16,108 गृहस्थियों का पालन पोषण कर सकते हैं? इतनी गृहस्थी कैसे करेंगे व्यवस्था? खुद परीक्षा लेने के लिए गए। जब परीक्षा लेने के लिए गए, देख रहे हैं किसी जगह कृष्ण भगवान गृहस्थी में हाथ बटा रहे हैं, किसी जगह बच्चों की सेवा कर रहे हैं, किसी जगह अपने मंत्रिमंडल से बातें कर रहे हैं, अनेकों जगहों पे कार्य कर रहे हैं। नारद जी का अहंकार दूर किया। तत्व एक है कृष्ण रूपी, लेकिन उन्होंने नारद का अहंकार दूर किया कि ये शरीर को मत देखो आप, वो जो तत्व है, गुरु तत्व है, वो ये कार्य कर रहा है। आप देखते हैं ना हुजूर साहब को, आज भारत के किसी कोने में है तो कल विदेश के किसी कोने में। जब भी सुनते हैं गुरुदेव कहाँ से कहाँ पधार जाते हैं, ऐसा लगता है कि शरीर से जाते भी हैं कि एकदम आत्मा रूप पहुँच ही जाते हैं कहीं। और अभी दुबई की स्थिति क्या थी, जिस प्रकार से टीवी पे हम लोग सुन रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस बार तो वहाँ कोई कार्यक्रम हो सकेगा। जो हमारे यहाँ से विद्यार्थी भी गए, मेरा विद्यार्थी गया भरत तारे करके, उसने बताया कि हम तो जा ही नहीं सकते थे ऐसी स्थिति। लेकिन गुरु महाराज का चमत्कार देखिए, आपने बाढ़ का दृश्य देखा होगा टीवी पे, उसके बावजूद भी ले जाके वहाँ सारा कार्य किया और निर्विघ्न संपन्न करा करके आए, ये उनकी कृपा है। आज हम ऐसे गुरु से जुड़े हैं, इसमें हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास पक्का है तो जीवन के हर कार्य सफल हो जाएंगे। तो आत्मा रूपी जो तत्व है, वो परमात्मा रूपी जो तत्व है, वो हमारी आत्मा में आएगा। कैसे आएगा? जब हम गुरु की सानिध्यता प्राप्त करें और दृढ़ विश्वास के साथ में। जैसे अभी आपको बताया कि जब भी आपके जीवन में कोई तकलीफ हो, आप एकांत में बैठिए। आप ये मत सोचिए मैं गुरुदेव को फोन लगाऊं, नहीं, आपका फोन है वो आंखों के आंसू। आप रोमांचित होकर के आपकी आंखों में आंसू आ गए ना, आपका फोन मिल जाएगा। गुरुदेव जहां भी होंगे विश्व में, वहां उनको लग जाएगा कि आज किसी भक्त के कुछ प्रॉब्लम है, और आपकी सहायता हो जाएगी। तो जब भी जीवन में कोई विपत्ति आती है, कोई बाधा आती है, तो निश्चित मान लो कि इसके बाद में हमारा कुछ अभ्युदय होने वाला है, कुछ विशेष प्राप्त होने वाला है। ये दुखी नहीं होना कि भाई ये तो इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण भगवान इसलिए तो कहा है, पिबत भागवतम रसमालयः, बार 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 इन ग्रंथों का पान करें। हमारे श्री पाठक जी ने, आचार्य जी ने जो आपको सविवेचना करी, हम सब हमारे संतोष भी आपका स्वागत करते हैं। पाठक जी का पाठक जी पधारे हैं और आप सबको जैसे उन्होंने धर्म की तत्व क्या है इसका विवेचन किया। असलियत श्री धुनी वाले राव मैया जी, गुरु जो तत्व रूप है उसी तत्व रूप से
हम सभी के मन में गुरु एकाग्रता प्रदान करते हैं, उसी एकाग्रता के कारण हमें भगवान दरस बरस देते हैं। और यदि हम उसी एकाग्रता को गुरु के रूप में मानते हैं तो गुरु महाराज जी स्वयं, जिस तरह से बड़े दादा जी महाराज ने सबको शिव रूप में दर्शन दिए, उसी तरह से आज भी आप सबको भी दर्शन हो सकते हैं। लेकिन हम संशय रहित बुद्धि से विश्वास करें। सबसे बड़ी, आपने पाठक जी ने भी अभी क्या बोला कि संशय रहित विश्वास होना चाहिए। किसी भी चीज में जब संशय आ जाता है तो नहीं की तरफ चला जाता है। जब संशय होगा होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा फिर नहीं हो सकता है। लेकिन जब संशय रहित हो जाता है कि नहीं होगा 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 होता है। देखो, सब हिंदू तत्व की इतनी बड़ी परीक्षा हुई, बरसों राम मंदिर का मामला चलता रहा, लेकिन असली सबका भाव था और सबको विश्वास था कि ये राम जन्मभूमि है, राम की ही रहेगी। और इतने बड़े प्रयासों के, बरसों के बाद, उसका बताते हैं कि करीब 150 साल मुकदमे और ये सब चलते रहे, अंग्रेजों के टाइम से चल रहा था। लेकिन अब जाके देखो, भगवान राम के मंदिर की स्थापना हो गई, भगवान राम उसके अंदर विराजमान हो गए। तो ये हिंदू तत्व की अखंडता है। उसी तरह से श्री छोटे दादाजी महाराज हरिहर भवन में भगवान ने जो हमको कहा है कि खंडवा में दादाजी की, बड़े दादाजी की समाधि पे 84 खंभों का मंदिर बनेगा, बस ये विश्वास ही बनाएगा। हमारे मन में जो ये विश्वास है कि उनकी आज्ञा है, जब हम ये मानेंगे आज्ञा है तो आज्ञा परिपूर्ण हो। जो दे आटा दाल वो दे कंडे चार। जब कोई आटा दाल देगा तो इधर कंडे के रूप में इधर और लकड़ी के रूप में इधर भी देंगे। भले आज के ज़माने में गैस देंगे, लेकिन सब देंगे। लेकिन कब देंगे? जब विश्वास होगा। इसीलिए उनकी आज्ञा है और आज्ञा अटल होती है। गुरु महाराज की जो आज्ञा है वो अटल है। उनकी आज्ञा देर हो सकती है, पर नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु महाराज की कृपा से कभी कभी गुरु महाराज की दया से, देखो हमारे संतोष भी आए, इनको गुरु महाराज ने बच्ची दी, 2-3 बच्ची, लेकिन कहा बेटा होगा, 3 के बाद हुआ, लेकिन हुआ। तो ये गुरु महाराज की कृपा है और ये जो विश्वास है, और उसी विश्वास के कारण गुरु महाराज जो है कृपा करते हैं, और उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब, हम के ऊपर कृपा जो बनी है वो हमेशा बनी रहे, उसके लिए लगातार हमें भजन और साधना करते रहना है। साधना मंत्रों द्वारा हो सकती है, जप द्वारा हो सकती है, भजन द्वारा हो सकती है, या निर्गुण रूप से शांत रहने से भी हो सकती है। सिर्फ अपने आप में, मन में किसी तरह की विकृति को बंद कर दो, अपने स्वभाव में सिर्फ शून्य रूप लाओ, कोई जाप नहीं करो, लेकिन एक ध्यान भगवान का, गुरु महाराज जिसको भी आप मानते हो, कुछ लोग गुरु को मानते हैं, कुछ लोग भगवान को मानते हैं, आप सब भी अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भगवान को मानते हैं। हम दादाजी महाराज को ही भगवान गुरु महाराज मानते हैं, तो आप जो लोग भी जिसको मानते हैं, लेकिन जिसके हैं उसके होके रहें। आपके मन में जिसके हैं उसके होके रहना है। गुरु किसी को खाली नहीं भेजते हैं, गुरु महाराज उसको झोली भर के ही भेजते हैं। लेकिन सिर्फ झोली भरो नहीं, हम सिर्फ उनके लिए ध्यान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। उन्होंने कोई सेवा बता दी वो करें, उन्होंने कोई जाप बता दिया वो करें। और जीवन में गुरु महाराज कई बार उसके मन की परीक्षा के लिए कई बार देर करते हैं, कई बार उससे कई तरह की परीक्षा के रूप में उसके सामना आता है। तो उन सब परीक्षाओं में प्रयास करना चाहिए कि हम सफल हो जाए। बच्चा पढ़ता है, पढ़ के पूरे साल भर पढ़ के उसके टेस्ट होते हैं, फिर बड़ा टेस्ट होता है, फिर 6 माही परीक्षा होती है, 12 माही होती है, लेकिन उसके बाद उसकी परीक्षा सफल हो जाती है। वो देता रहता है, ये नहीं कि मैं सीधे 12 माही की परीक्षा दूंगा, 6 माही की नहीं दूंगा, टेस्ट नहीं दूंगा। छोटे छोटे टेस्ट भी उसको देना पड़ते हैं, उन टेस्टों के रिजल्ट के आधार पर मेन रिजल्ट आता है। उसी तरह से छोटी छोटी जो घटना है, वो घटना हमारे मन को
परिपक्व करने के लिए होती है। गुरु महाराज जो भी परीक्षाएं आती हैं, जो भी एक संकट आते हैं, वो हमारे मन को दृढ़ता लाते हैं। किसी भी तरह से उससे हमें मन को क्षीण नहीं करना चाहिए, मन में किसी तरह से दुर्बलता नहीं लाना चाहिए और कभी भी अकर्मी नहीं होना चाहिए, कर्मनिष्ठ होना चाहिए। जैसे हमारे पाठक जी ने भी कहा कि आप अपना कर्म करते रहो और कर्म में विश्वास रखो कि उनकी कृपा होगी, कृपा हो जाएगी। सब चीज के लिए प्रयास करना जरूरी है, प्रयास को छोड़ने से काम नहीं चलेगा। क्यों? मनुष्य जीवन में जहाँ पे भगवान राम भगवान कृष्ण भी आए तो उन्होंने भी सारे कुछ कर्म किया। हर कर्म से भगवान राम जब हुए हैं, भगवान कृष्ण हुए हैं, चाहते तो पूरे चतुर्भुज रूप में और पूरे बड़े आदम कद में 18-20 साल के भी प्रकट हो सकते थे, लेकिन नहीं, मनुष्यों ने में आके मनुष्य उसे बाल रूप किया, बाल लीलाएं करी, बाल हट करी, बाल लीलाएं करी। उसके बाद शांतिपन आश्रम में, मणि वशिष्ठ जी के आश्रम में भगवान ने जाके शिक्षा ली। हालांकि भगवान की शिक्षा कौन कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने भी गुरु आश्रम में जाके शिक्षा ली है, जिससे समाज में हम सब लोग समझ सकें कि शिक्षा के लिए गुरु के पास जाना ही पड़ेगा। शिक्षा के लिए जब भगवान अपने गुरु के पास गए हैं और वहाँ से शिक्षा लेके आए हैं, तो हमें भी पाठशाला में और गुरुशाला में, गुरुकुल में जाके शिक्षा लेना पड़ेगी। हमारे अकेली घाट पर भी खूब बढ़िया गुरुकुल होता है, 80 बच्चे जो हैं वैदिक पाठशाला ज्योतिष और सब सीखते हैं, वो हमारे पाठशालाओं से भी ज़्यादा जो है वैदिक उपचार, वैदिक मंत्र, वैदिक जो नियम हैं, उन सभी नियमों से भले आप सूक्ष्म रूप में करें पर करना है। आप ग्रस्त हैं, ग्रस्त लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी पाठ पूजा करें। वास्तव में एक ग्रंथ में, एक शिव पुराण में एक जगह आता है कि ग्रस्त के लिए कितना भजन करना चाहिए, सन्यासी को कितना करना चाहिए, अविनाशी को कितना करना चाहिए, ब्रह्मचारी को कितना करना चाहिए। तो उसी के अंदर ग्रस्त के लिए ये है कि 40 मिनट का भजन उसका जरूर होना चाहिए। 24 घंटे में से 40 मिनट भी उसका भजन होता है, जो भी नियम हो जाता है, तो वो उसके लिए परिपक्व। जिस तरह से उधर के लिए, पेट के लिए 600-700 ग्राम भोजन बहुत है, उससे ज्यादा करेंगे तो भी अजीर्ण होगा, आप बीमार होंगे। ज्यादा भोजन करना ही बीमारी का घर है। वास्तव में मेरे अपना जो अनुभव है कि एक अनुपातिक भोजन यदि करेगा तो वह आदमी बीमार नहीं होगा। आप अनुपात से ज्यादा खाने से बीमार होते हैं, नहीं खाने से बीमार नहीं होता है, या कम खाने से बीमार नहीं होता है, भोजन ज्यादा करने से ही शरीर की बीमारी होती है। शरीर की बीमारी का कारण ही ज्यादा खाना। आज सब लोग जो ज्यादा बीमार होते हैं वो भोजन की अनियमितता और भोजन की जो मात्रा है वो बढ़ाने से हो रहा है। कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, किसी भी टाइम खा रहे हैं, उससे आपके शरीरों की बीमारी ज्यादा हो रही है। ऐसी हमारी सोच, हमारा अनुभव वो बताता है, उसी अनुभव के अनुसार हम बता रहे हैं। उसी तरह से हमारे आप ग्रस्त लोगों के लिए 40 मिनट साधना वो पूरे दिन भर के लिए बहुत है। तो 35-40 मिनट भी आपकी साधना हो जाती है, उसमें आप रक्षा सूत्र के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, क्योंकि ये हमारा कवच है। हनुमान जी महाराज जो हैं, उन्होंने जो हनुमान चालीसा है वो हमारी रक्षा के लिए है। और कोई जाप हो या ना हो, भले ही बिना गिनती से करना है, लेकिन महामृत्युंजय का जाप थोड़ा जरूर होना चाहिए। इसी तरह से भगवान की कोई भी आरती, भले ही आप राम जी की आरती करो, हम जैसे नर्मदा माई की कर्पूर गुरम आरती करते हैं, वो सूक्ष्म रूप में शाली कर्पूर गुरम वाला ऐसा भी करते हैं, जय जगदानंद जी नहीं भी करें इतना भी बहुत है। और देवी कवच ये आपको रुद्राष्टक करना है। सबसे भोलेनाथ की सबसे सरल प्रार्थना है आप सबके लिए रुद्राष्टक। पिछले बार भी हमने बोला था कि वही सबको रुद्राष्टक अंतर्स होना चाहिए यहाँ गाँव में, तो आप लोगों ने काफ़ी किया। और ये सब साधना जो है आराम से 35-40 मिनट में हो जाती है। इतना भी यदि आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत इनफ है। लेकिन सोमवार के दिन
यदि हो सके तो भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए महिमन करिए या श्री तांडव करिए या दोनों करिए, और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के लिए विष्णु सहस्त्रनाम करिए। ये हो सके इतनी चीज़ भी यदि आपने करनी पड़ा है, तो महाजी से भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि विष्णु सहस्त्रनाम हो गया तो सब हो गया। राजेंद्र महाजी ने स्वयं ये बोला कि विष्णु सहस्त्रनाम जो करता है उसके लिए सब साधना हो गई, विष्णु सहस्त्रनाम करने के बाद और कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं। बोले इतना हो गया तो बहुत हो गया, विष्णु सहस्त्रनाम में भी 25-30 मिनट लग जाते हैं, पूरा करो आप विधि से 25-30 मिनट लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हम करते हैं वो पूर्ण विश्वास से करना चाहिए। हमारे पाटिल जी ने क्या कहा, जो भी आप धार्मिक कर्म करो वो पूरे विश्वास के साथ करो, अविश्वास के साथ कोई भी चीज ना करो। विश्वास के साथ यदि करोगे तो फलीभूत हो ही होगा। और हमारा तो ये कहना है कि आप फलीभूत होने के लिए ना करें, क्योंकि हमारे कर्म और हमारा जो प्रारब्ध है वो कई बार किसी चीज़ को नहीं होने देता है, या कई बार पितरों के दोष की वजह से भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होते। इसलिए आप इन चीज़ों की झंझट से हट के सिर्फ हमें करना है, फिर भगवान क्या करेंगे, गुरु महाराज क्या करेंगे, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिर देखो आप, और उसका हम स्वयं उदाहरण है, भगवान गुरु महाराज की दया से हम बचपन से कभी भी मन में हमने कोई ऐसा भाव नहीं रखा है भगवान हमें कोई पास करेंगे, पढ़ते थे जब भी हमने ऐसा कोई भाव नहीं रखा, अब भी कोई ऐसे भाव नहीं रखते हैं। तो गुरु महाराज की कृपा है कि मेरे ख्याल से अच्छा गुरु महाराज रख रहे हैं और रखेंगे, जो उनकी कृपा है। गुरु महाराज इतनी कृपा रखते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, उससे बढ़िया आनंद करवाते हैं। तो ये आनंद किस बात का है, निष्फल भक्ति का, निष्काम भक्ति का। किसी भी तरह से भक्ति निष्काम रूप से जब होगी, किसी कार्य के लिए नहीं होगी, तो गुरु महाराज अनंत रूप से देते हैं। क्योंकि आप कोई भी चीज़ मांगोगे या कोई चीज़ के लिए सोचोगे उसकी भी एक सीमा है। आप पद में जाओगे, कहाँ तक जाओगे, मेरा मुख्यमंत्री बन जाओ, ये बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ। अब राष्ट्रपति के आगे, उसके आगे तो आपको पता ही नहीं है कि इसके आगे भी कोई पोस्ट होती है नहीं होती है। आप हिंदुस्तान में रह के राष्ट्रपति से ऊपर और क्या मांगोगे। लेकिन यदि आपने गुरु महाराज से सिर्फ निष्काम रूप से, नहीं मुझे भक्ति करना है, आपको क्या करना है आप जानो, मेरे लिए जो उचित हो आप करें, ये भाव होगा, तो फिर देखो क्या करते हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज जो है कुछ नहीं, मैं सब कुछ कर देते हैं। गागर में सागर जो है गुरु महाराज करते हैं, एक बूंद को सागर बना देंगे, उनकी कृपा होती है। ये हम स्वयं उसका उदाहरण है, आप सब देख लो। तो दादाजी की जो कृपा है वो सबसे बड़ी कृपा है, लेकिन कृपा के साथ में जो है उनकी बताई हुई साधना को साधना या उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। जो भी हमारी सोच है हम उस सोच के अंदर सिर्फ ये भाव रखें कि जो आपने बताया है उसको करना है मुझे, सत्कर्म के लिए आप दया करें कि मेरा मन इसमें लगे, आपका मन लगने लग जाएगा। सिर्फ आप ये भाव रखें कि गुरु महाराज आज भजन में मन नहीं लग रहा, आप दया करो भजन में मन लगे, या मेरा आज का जो नियम है उसमें अपने मन से कर सकूँ, बस ये मन में लाओ, इसके बाद उसी से मन लगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती है, नींद क्यों नहीं आती है कि आपके मन में आपके काम नहीं होता है और आप उसमें चिंतित होते हो कि भाई ये काम होगा कि नहीं होगा, कल क्या होगा, कल वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, हम क्या करेंगे, इस बात के कारण नींद नहीं आती। जब आप मन में ये सोच लें और उसी समय सिर्फ रक्षा करो हमारी श्री आदाई धुनी वाली, रक्षा करो हमारी श्री आदाई धुनी वाली, आप ये नाम लो और बिना गिनती के आप नाम लो, 15 मिनट से ज़्यादा हमारे ख्याल से नहीं लगेंगे, आपको नींद आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, कि आपने गुरु महाराज का नाम लिया रक्षा करने का और नाम में मन लगा और नींद आई। नाम में कब मन लगेगा, जब संसारिक चिंता से छूट के शून्य रूप में आए, जहाँ शून्य रूप आती वहीं नींद आती है, तो
रोज आपको नींद कब आती है? कोई ये बता सकता है कि मैं इतनी बजे उठा, लेकिन कितनी बजे सोया ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि शून्य स्थिति में आने के बाद ही नींद आती है। तो कब तक मैं 11 बजे तक जग रहा था, 11 बजे के 10 मिनट तक भी जग रहा था, लेकिन नींद कब आई ये कौन बता सकता है? तो उसी तरह से मन में भगवान के दर्शन कब हुए, कब हमें साक्षात्कार होगा, इसका कोई नहीं बता सकता। और बता, और जब होते हैं तो उसकी ऐसी स्थिति नहीं होती कि सबको बताए, और ये अध्यात्म ऐसी चीज नहीं है जो किसी को बताए, और जिसको होते हैं वो किसी को बता नहीं सकता है, या बताने की जरूरत ही नहीं होती उसको, अपने उस आनंद में ही खो जाता है। तो इसीलिए इसका कोई निश्चित ट्रैक है नहीं है जिससे पकड़ के आप चले जाओ, ऐसी कोई निश्चित मार्ग ही नहीं है। इसीलिए सभी मुनियों ने, ऋषियों ने अलग अलग सोच से, अलग अलग मार्ग, अलग अलग मंत्र, अलग अलग जाप बता के हमको उसका रास्ता बताया है। सब ऋषियों की अलग अलग सोच थी। जब वेद व्यास जी अलग अलग ऋषियों के पास गए, जो ऋषि जो भी तपस्या वजन कर रहे थे, उनको करते करते उनको बहुत सारे मंत्र बताए गए। उन सभी मंत्रों को उन्होंने अलग अलग संकलन किया और अलग अलग उसको निष्पादित करके और अलग अलग उसके 4 भागों में वेदों की रचना कर। लेकिन उन ऋषियों को भी उन मंत्रों की कहाँ से आगमता हुई, लेकिन वो सनातन है। उन मंत्रों को सिर्फ सोच से, उनने जब ऋषियों ने विचार किया, सोच किया, उनको एक सूत्र, एक मंत्र की लाइन आई, उस मंत्र से उन्होंने अगले मंत्रों विवेचन के लिए, उसको समझाने के लिए और मंत्र जोड़ दिए। लेकिन मूल रूप से वो जो है प्रेरणा से आया। प्रेरणा जो है वो सिर्फ भगवान की वाणी होती है, इसीलिए हमारे वेद पुराण वेद जो हैं आदि भी, जो शुरू में एक ही वेद था उसी एक वेद से 4 वेद जो है बने। तो वो जो आदि वेद है वो भगवान की स्वयं की वाणी है। जिस तरह से गीता जी है, गीता जी भगवान स्वयं ने जो महाभारत में जो जो फरमाया, जो जो बोला, वो उसकी वाणी ही गीता है, तो ईश्वरी वाणी है। तो उसी तरह ईश्वरी वाणी जो होती है वो भगवान की वाणी। इसीलिए कभी भी हमारे ग्रंथों में, वेदों में, पुराण में आप किसी भी तरह का संशय ना करें, उसका अनुसरण करें, लेकिन उसमें किसी भी तरह की भ्रांति नहीं माने। भ्रांति की बात हो तो उसी समय अपने सदगुरु से, जो हमारे गुरु जी हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, उनसे तुरंत उनसे पूछना चाहिए, उसका वो निवारण करेंगे, उसके बारे में उसका सही अर्थ बताएंगे, ये उनकी ड्यूटी और वो करेंगे, और ये हमें उससे जो है उसका निवारण होके, और हमारे जाप में जो भी अशुद्धि हो रही है या जिस तरह भी संशय हो रहा है वो संशय दूर हो जाएगा। और संशय दूर हुआ, हमारे गुरुवान जो बोलते थे, बोले धर्म में सबसे बड़ी रुकावट है संशय, भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है संशय। संशय यानी किसी भी तरह की शंका, किसी भी तरह का डाउट, ये भगवान है कि नहीं है, गुरु भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन गुरु भगवान ही है, ये जिस दिन मान लिया उस दिन गुरु के रूप में, गुरु बैठे बैठे आपका भगवान के रूप में दिखने लग जाएंगे। देखो रामदेव जी को, इनको जो है, अब देखो प्रहलाद जी का उदाहरण देखो, भक्त प्रहलाद जो थे उनको खंभे के रूप में भगवान दिख रहे थे, सब रूप में दिख रहे थे। तो जिस तरह से उनकी ताड़ना हुई, उनको ऊपर से पहाड़ से फेंकने लगे, तो उनने कहा कि तुमको पहाड़ से फेंकेंगे ऐसा हमको कहा है, तो बोले अच्छा भाई फेंक दो। तो बोले क्यों फेंक दो? बोले मेरे नीचे झोले लेके खड़े हैं भगवान, भगवान संभालेंगे। और उनको ऊपर से फेंका और नीचे उनके भगवान ने झोली, उनकी झोली में आके उनको सब रक्षा हो गई। उनसे कहा कि अच्छा खम्भे में कौन है बता? बोले इसमें भगवान दिख रहे हैं मेरे को। जैसे उन्होंने खम्भे को तोड़ने की कोशिश करी, भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और भगवान नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर नरसिंह रूप धारण करके उनका उद्धार किया। तो ये हमारे उदाहरण जो है आज भी हैं, आज भी इन सब चीजों में सब में पूर्ण है, ऐसी कोई चीज नहीं कि नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपने पुराण, अपने ग्रंथों पर, अपने
ऐसे पुराणों के उदाहरण पे किसी भी तरीके संशय नहीं करना चाहिए, तो बुद्धि संशय रहित होना चाहिए, यही हमारा आपसे निवेदन है। और गुरु महाराज, दादाजी महाराज जो हैं समर्थ गुरु हैं,